राजगीर की रमणीय पहाड़ियों में स्थित यह परिसर बिहार पुलिस अकादमी। बिहार पुलिस अकादमी बिहार का एक बेहतरीन प्रशिक्षण संस्थान है, जहां बिहार पुलिस की कमान संभालने वाले भावी लीडर्स की मजबूत नींव तैयार की जाती है। 133 एकड़ में विस्तृत यह भव्य परिसर अपनी तरह का इकलौता परिसर है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग कोड के सभी मानकों का पालन इस परिसर को तकनीक और पर्यावरण का अद्भुत संतुलन प्रदान करता है, और इसके साथ ही बेहतरीन प्रशिक्षकों की एक टीम और एक शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार पुलिस अकादमी को वो शुभ संयोग प्रदान करता है। बिहार पुलिस अकादमी संभवतः भारत का सबसे नौजवान पुलिस अकादमी है। इसने अपने अल्प अवधि में कई मील के पत्थर प्राप्त किए हैं। इसके प्रांगण में अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस पदाधिकारियों ने मूलभूत प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर बिहार राज्य की सेवा में अपना योगदान। भावी अधिकारियों के दिन की औपचारिक शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है। प्लाटून कमांडर की विसल की आवाज आते ही डीएसपी प्रोबेशनर्स पीटी ड्रेस में जीओ मेस से दौड़ते हुए निकलते हैं। 3 और 3 की कतारों में पंक्तिबद्ध डीएसपी प्रोबेशनर्स एक अनुशासित बल की शक्ल में पीटी ग्राउंड तक पहुंचते हैं। इस बीच डीएसपी प्रोबेशनर्स को कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं होती। मुख्य अनुदेशक को रिपोर्ट करने के बाद बिगुल ध्वनि पर ध्वज प्रणाम होता है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गायन होता है। उस समय पूरी अकादमी किसी स्थिर सुंदर चित्र की तरह थम जाती है। देश प्रेम और अनुशासन की इसी परंपरा के साथ प्रशिक्षण की औपचारिक शुरुआत होती है। दिन का पहला सत्र हमेशा वार्म अप से शुरू होता है। इसके पश्चात अकादमी के मुख्य रूट से हल्की दौड़ का आयोजन होता है, ताकि प्रोबेशनर्स आने वाले दिन की चुनौतियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो सकें। अनुदेशक की आवाज़ पर डीएसपी प्रोबेशनर्स विद्युत की गति से हरकत करते हैं। इस बीच कई डीएसपी प्रोबेशनर्स की हिम्मत जवाब देने लगती है, तो अनुदेशक उनमें जोश भरने का काम करते हैं। दिन प्रतिदिन की यह मेहनत डीएसपी प्रोबेशनर्स को साहसी, फुर्तीला, तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। द 150 प्लस आउटडोर इंस्ट्रक्टर्स इन दिस एकेडमी कम फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स ऑफ एक्सीलेंस, रेंजिंग फ्रॉम एनएसजी, बीसीएफ, बीसैप एंड द इंडियन आर्मी। द ट्रेनीज गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। The instructors follow time-tested methodologies of PT, drill, and strength-building exercises to turn these trainees into responsible officers. Specially trained instructors equip the DSP probationers with UAC and BOAC skills to meet the unexpected challenges of this job while on field. Discipline is the blood that runs through the nerves of an officer, and the most important tool to inculcate this is the drill. Drills are responsible for the transformation from civil life to police life. The various drills in the academy, like weapon drill, SWAT drill, lathi drill and baton drill, provide the trainees with coordination and leadership skills. These DSP probationers, with their head up, glint in the eyes, chest out, and spring in their feet, instill a sense of pride.
is a matter of great pride that BPA has within its walls an equestrian school. There are 22 highly trained and efficient horses of both Indian and thoroughbreds. The academy has exceptional instructors who train the DYSP probationers to achieve mastery over horse riding over a period of 100 classes. Unlike motorized or automated systems, horse riding involves dealing with living creatures that are highly sensitive, instinctive, and complex. Moreover, they do not share with us a common language. Probationers acquire the skill of non-verbal communication while trying to sense the temperament and running styles of the horses through observation. मनुष्य के सच्चे साथी के रूप में पहचाने जाने वाले श्वानों की इंटेलिजेंस की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार पुलिस एकेडमी में कुल 5 श्वान हैं, जिनमें लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं। बिहार पुलिस एकेडमी हाउसेस एन ओलंपिक मेजरमेंट पूल ऑफ 50x25। द शैलो टू डीप एंड राइजेस फ्रॉम 5 to 12 फीट। The pool has the capacity to host national level and interstate police championships. The academy has 8 highly qualified instructors who have been trained by experts to further train the DYSP probationers. Besides being the best low impact, high resistance, full body workout, swimming teaches the probationers how to conquer their fears with knowledge and determination. Bihar being a flood prone area, swimming becomes an essential life saving skill for the future officers. Professional competence is a culmination of knowledge, attitude, and skill. The rigor and skill of the outdoor is replicated in the indoor too. Highly qualified indoor instructors own the legal skills of the probationers. These include IPC, CRPC, Evidence Act and the Minor Acts. They are also given knowledge about tools that come handy during investigation and supervision like forensic science, photography, cybercrime tools, thana management and others. The academy lays special emphasis on participatory learning. Quizzes and group discussions are organized at regular intervals. The key highlight of this form of learning are the director's lectures, which are held on regular basis, wherein varied topics regarding ethics and professionalism are listed. Bihar Police Academy में एक अत्याधुनिक firing simulator भी है, जो firers की कमियों और क्षमताओं में गुणात्मक सुधार करता है. साथ ही firing range पर on-site firing भी समय-समय पर इन probationers को उपलब्ध कराई जाती है. किसी भी पुलिस पदाधिकारी के लिए हथियार उसका सबसे भरोसेमंद साथी होता है. हथियारबंद दुश्मन के साथ मुठभेड़ के समय जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक क्षण का फासला होता है. इसलिए किसी भी किस्म के हथियार को अंदर से बाहर तक जानना, मात्र 20 सेकंड में उसके पुर्जों को खोलने जोड़ने के साथ साथ फायरिंग पोजीशन से लेकर सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करना डीएसपी प्रोबेशनर्स को सिखाया जाता है. अकादमी में इन्हें ग्लॉक पिस्टल, 9mm पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार और 303, SLR, इंसास, AK-47 जैसी राइफलों की ट्रेनिंग दी जाती है. डीएसपी प्रोबेशनर्स को हथियारों का यह प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैरामिलिट्री एवं मिलिट्री से प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है.
BOAC या बैटल ऑब्स्टेकल असॉल्ट कोर्स। यह एक विशेष दक्षता का प्रशिक्षण है। रस्सी के जालों, लोहे के खंभों और कंक्रीट की पेचीदा बनावटों से तैयार BOAC दुर्गम इलाकों के ज़मीनी हालातों की रुकावटों का मानव निर्मित रूपांतरण है। इसको बिना घायल हुए और न्यूनतम समय में हथियार और प्लाटून के साथ पार करना शारीरिक क्षमता, चपलता और साहस की अग्नि परीक्षा है। BOAC में पारंगत होकर ये DSP प्रोबेशनर्स किसी भी ऑपरेशन को संपन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। सर्विस के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उन्हें अपनी टीम या हथियार के बिना अकेले ही दुश्मन से भिड़ना पड़ता है। DSP प्रोबेशनर्स को मैप रीडिंग, रेकी, दूरी का अनुमान लगाना, कैमोफ्लॉज जैसे नजरी बचाव के तरीके फील्ड क्राफ्ट में सिखाए जाते हैं। साथ ही ऑपरेशंस की योजना बनाना, मुठभेड़ से बचने के तरीके, दुश्मन क्षेत्र में एहतियाती SOP भी बिहार की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सिखाई जाती है, ताकि बल न्यूनतम जान माल के नुकसान के साथ सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने में सक्षम हो सके। रूट मार्च ऐसा ही एक ऑन फील्ड ऑपरेशन होता है, जिसमें प्रोबेशनर्स को ज़मीनी हालातों से स्वयं दो चार होना पड़ता है।